संजय दत्त की जीवन पर बन रही फिल्म संजू, जिसके अंदर आप लोगों को रणबीर कपूर संजय दत्त के अवतार में नजर आने वाले हैं और जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिरानी। इस फिल्म में आप लोगों को संजय दत्त की वो जिंदगी देखने को मिलने वाली है जो कि अब तक किसी और ने नहीं देखी है। इसमें आप लोगों को संजय दत्त के ड्रग्स वाले फेस, गर्लफ्रेंड्स और संजय दत्त के जेल के किस्से भी आप लोगों को दिखने वाले हैं। अब ऐसे में एक किस्सा फिल्म से डिलीट करवा दिया गया है, ये सीन डिलीट करवाया है माधुरी दीक्षित ने। तो आइए आपको बताते हैं कि ये सीन आखिर में है क्या। जैसा कि हम सबको पता है कि माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस थी और वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से प्यार भी करते थे। लेकिन जैसे ही 1993 में पहली बार संजय दत्त जेल गए थे तो माधुरी दीक्षित ने अपना और संजय दत्त का जो भी रिश्ता था उसे ख़त्म कर दिया था। अब बात यह है कि सीन कौन सा कट हुआ है। तो जब संजय दत्त पहली बार जेल गए थे यानी कि 1993 में, तो उन्हें एक कॉल करने का मौका मिला था और वो कॉल उन्होंने माधुरी दीक्षित को किया था। लेकिन उस समय माधुरी दीक्षित की माँ ने फोन उठाया और उन्होंने कहा, माधुरी तुमसे सारे रिश्ते ख़त्म कर चुकी है और तुम भी अब ये सब ख़त्म कर दो। और यही संजय दत्त का जेल जाने पर पहला कॉल था। संजय दत्त को एक कॉल करने की इजाज़त दी गई थी और वो कॉल संजय दत्त ने माधुरी दीक्षित को किया था। और जैसे ही माधुरी दीक्षित को पता चला कि ये सीन भी राजकुमार हिरानी ने संजू में रखा है, तो डायरेक्ट माधुरी दीक्षित ने तुरंत कॉल करके ये सीन डिलीट करवा दिया और फाइनल टच में राजकुमार हिरानी ने ये सीन इस फिल्म से डिलीट कर दिया है। तो दोस्तों, संजय दत्त की जीवन पर बन रही फिल्म अभी सेंसर बोर्ड से गुजरना भी बाकी है, तो देखना दिलचस्प होगा कि इसमें से और कौन कौन से कट होते हैं। और ये सीन अब आप लोगों को पता चल ही चुका है। तो दोस्तों, आपको संजय दत्त के बारे में क्या कहना है और इस फिल्म संजू के अंदर रणबीर कपूर की एक्टिंग को लेकर भी आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा बॉलीवुड जंक्शन को, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको बॉलीवुड की हर खबर सबसे पहले।